समष्टि अर्थशास्त्र के जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या सेज लॉ ऑफ मार्केट और क्लासिकल थ्योरी। ये बेसिकली तीनों एक ही चैप्टर है, लेकिन इसके जो सेगमेंट्स हैं उसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो थीम लेंगे वो हम लेंगे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, किस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट की क्लासिकल सिस्टम ने बात की, कीन्स ने उनकी किस बेसिस पर आलोचना की, ये सारी चीजें। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो टर्म आता है जो क्लासिकल की जो क्लासिकल पोस्टुलेट्स या क्लासिकल की जो आत्मा है, द सोल ऑफ द क्लासिकल प्रिंसिपल, वो क्या है, वो है द इकोनॉमी ऑलवेज इन फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी अर्थव्यवस्था में क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। पूर्ण रोजगार का क्या मतलब है कि जो जॉब एप्लीकेंट्स हैं इज इक्वल टू क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। फुल एम्प्लॉयमेंट इज सिंपली स्टैंड फॉर जॉब एप्लीकेंट्स इज इक्वल टू क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, यानी बाजार में जितने भी लोग काम की तलाश में आ रहे हैं उनको काम मिल जा रहा है। अब आप कल्पना करें तो इससे आपको और बेहतर समझ में आएगा कि अगर हम ये कहें कि अगर ऐसी स्थिति न हो, जॉब एप्लीकेंट्स डज नॉट इक्वल टू द क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, तो इसकी क्या स्थिति हो सकती, इसकी स्थिति ये हो सकती है कि जॉब एप्लीकेंट्स ज्यादा हैं, क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स से जॉब एप्लीकेंट्स कम हैं, क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स से। कुछ क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है और कुछ क्षेत्रों में ये स्थिति है। भाई हर क्षेत्र में, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में यह आइडियल स्थिति प्राप्त करना संभव नहीं है। तो हम टोटलिटी इन इकोनॉमी, हमने कहा कि ना मैक्रो इकोनॉमिक्स का यही सब्जेक्ट मैटर है, होल इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेगा, तो कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि जॉब एप्लीकेंट्स ज़्यादा हों क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स से, ज़्यादा लोग काम मांगने आए और कुछ लोगों को इसलिए काम ना मिल पाए क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है। इस स्थिति में जॉब एप्लीकेंट्स कम है, ऐसा हो सकता है कि कम लोग आए जो कम है क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स से, सबको काम मिल जाए, काम बचा रहे और लोगों की जरूरत पड़े। तो अर्थव्यवस्था में ये दो स्थितियां हो सकती हैं, कुछ क्षेत्रों में काम के अवसर ज्यादा होंगे, कुछ क्षेत्रों में जो काम के अवसर की तुलना में श्रमिकों की संख्या ज्यादा होगी, जो लोग काम मांगने आएंगे। कुछ क्षेत्रों में काम के अवसर होंगे ज्यादा और कुछ क्षेत्रों में काम करने वाले लोग
ज्यादा होंगे। लेकिन क्लासिकल ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या है, हमेशा टोटैलिटी जॉब एप्लीकेंट्स इज इक्वल टू क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। अर्थव्यवस्था में ठीक ठीक जितने लोग काम मांगने आते हैं उनको काम मिल जाता है। क्लासिकल सिस्टम में देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म सिस्टम, लॉन्ग टर्म बेस्ड। क्लासिकल सिस्टम ये लॉन्ग टर्म की बात करता है और वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ऑटोमेटिकली जॉब एप्लीकेंट इज इक्वल टू क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। इट मे बी अनएम्प्लॉयड, हो सकता है जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो क्या होगा, इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, और एक है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक, अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है ये, ऐच्छिक रूप से बेरोजगार है। ये फ्रिक्शन एक काम से दूसरे काम के ट्रांसफर के बीच में जो समय बचता है उसके दौरान रोजगार। तो कहते हैं कि क्लासिकल सिस्टम में वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। इफ अ पर्सन ही इज नॉट रेडी टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, ही नीड्स मोर वेज एंड ड्यू टू कम वेज मिलने के कारण ऐसा उसको लगता है वह काम नहीं करना चाहता, लेकिन काम है और जो बाजार में ब्याज दर चल रही, बाजार में जो मजदूरी की दर चल रही है उस पर काम भी उसको मिलने। तो ऐसे व्यक्ति जो काम नहीं करना चाहते बाजार की जो मजदूरी दर है उस पर, वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। एंड वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट्स कैन बी एग्जिस्ट इन द क्लासिकल सिस्टम, बट there will be no involuntary unemployment, there will be sometimes maybe frictional unemployment. Frictional unemployment is a short term phenomena, so when the person is searching from one place to another place meanwhile it is unemployed, that is considered as frictional unemployment. ye ho sakta hai, lekin arthvyavastha mein ultimately kya hai, full employment। और इस फुल एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए उन्होंने दो चीजें और ली। उन्होंने कहा कि जो वेजेस हैं मजदूरी, ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल हैं, ये परिवर्तनशील हैं। जब ज्यादा लोग काम मांगने आ जाएंगे तो मजदूरी दर कम हो जाएगी, जब कम लोग होंगे काम करने वाले तो मजदूरी की दर बढ़ जाएगी। यानी जो वेज रेट है वो फ्लेक्सिबल है, ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। अल्टीमेटली क्या है कि इस वेज रेट की फ्लेक्सिबिलिटी से अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। और आप जानते हैं कि वेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो जो वेजेस हैं वेजेस की फ्लेक्सिबिलिटी से प्राइसेस भी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, तो प्राइसेस भी घट सकती हैं और बढ़ सकती हैं। तो यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का तो हमने एक स्ट्रक्चर देखा और देखा कि किस तरीके से इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, केवल वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। दूसरा चीज उन्होंने देखा कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है बिकॉज वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल हैं।
जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाता है और इसकी वजह से वेजेस और प्राइसेस की वजह से नो ओवर प्रोडक्शन, अर्थव्यवस्था में कोई अतिरेक उत्पादन नहीं है और नो अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो चीजें निकल के आई, एक तो कोई अतिरिक्त उत्पादन नहीं, जितना भी सामान बिकने के लिए आएगा उत्पादित होगा वो का सारा बिक जाएगा और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। और क्लासिकल सिस्टम यहाँ तक कहता है कि इन क्लासिकल सिस्टम देयर इज नो चॉइस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ओनली देयर इज अ चॉइस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट हेयर एंड एम्प्लॉयमेंट देयर। तो दिस इज बेसिकली द फिनोमेना ऑफ द क्लासिकल सॉरी द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लेबर मार्केट बिकॉज इट इज क्वाइट एसोसिएटेड विद द लेबर। लेबर इज अ प्रोमिनेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस।